तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग आप सबको। तो अभी बज रहे सुबह के 5। तो आज हम जा रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर, जो कि स्थित है महालक्ष्मी स्टेशन के पास में। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो आज फर्स्ट टाइम हमारे व्लॉग में हम फैमिली के साथ जा रहे हैं, और फर्स्ट टाइम हमारे व्लॉग में मेरी फैमिली आ रही है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मेरे पापा गुड मॉर्निंग, ये मम्मी गुड मॉर्निंग, और ये छोटी बहन 7 साल छोटी है, पर लगती नहीं है कि 7 साल ये छोटी है। ऐसा भी करती है कि 7 साल तू बड़ी है। पापा ज्यादा शिक्षित तो तू है, स्ट्रिक्ट है तू। आपको मेरा आँख थोड़ा सूजा हुआ दिखा रहेगा, क्योंकि हम सोई रात को 3:30 बजे और उठे हम 4 बजे, तो सिर्फ आधे घंटे का हमें नींद हुआ है। तो क्या पता रात को नींद नहीं आ पाया। तो अभी हम सुबह उठे 5 बजे, 5 बजे उठ के जा रहे हैं। ये देखो पूरा अंधेरा है, ठीक से दिन भी नहीं हुआ, पूरा अंधेरा है और रास्ते में भी कोई नहीं रहेगा। 4 महालक्ष्मी रिटर्न। हमने ट्रैवल किया है डुम्बली टू दादर। अभी दादर से ट्रेन चेंज करके हम जाएंगे महालक्ष्मी में। और सब लोग, मम्मी और मेरी बहन तो फुल सो गई थी, क्योंकि रात में किसी का भी बराबर नींद नहीं हुआ और सुबह सुबह हम सब लोग जल्दी उठे। नींद कैसे आई ट्रेन में? तो अभी महालक्ष्मी स्टेशन पे पहुँचे, तो अभी टैक्सी पकड़ के जाएंगे महालक्ष्मी मंदिर में। कबूतर खाना, आप यहाँ पे इनसे खाना लेके इनको दे सकते हो कबूतर को। और ये है श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, और इसके पीछे साइड है अपना महालक्ष्मी मंदिर का जाने का रास्ता। यहाँ पे जैसे एंट्रेंस होता है, बहुत सारा मंदिर मिलेगा अपने को। हर जगह पे मंदिर ही मंदिर है, आपको हर एक जगह पे मंदिर है। देखो अभी भी इधर भी एक मंदिर है, ये है आश्रम है। यहाँ पे अभी आरती हो रहा है। यहाँ पे जगह जगह पे आपको मंदिर देखने मिलेगा, जगह जगह पे हर एक। ये देखो इधर भी मंदिर है, यहाँ पे भी मंदिर है, सब जगह पे सिर्फ मंदिर ही मंदिर है। और बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे, और वो भी एकदम जूने जूने मंदिर है, एकदम जो पहले से है ना। देखो ये कितना जूना मंदिर है, ये भी शिव मंदिर है, एंशियंट शिव टेंपल, श्री परम रामेश्वर महादेव टेंपल। तो ये जाने का रास्ता है महालक्ष्मी मंदिर, वो देखो महालक्ष्मी मंदिर आपको दिखता रहेगा सामने। यहाँ से अपना महालक्ष्मी टेंपल का रास्ता चालू होता है, यहाँ से शुरुआत होता है और सामने महालक्ष्मी टेंपल है। यहाँ पे आपको स्वीट्स सब मिलेंगे, जो भी लेना है जैसा सब तो पूजा का सामान मिलता है। लाइन से मंदिर है A to Z। हम पहुँच गए श्री महालक्ष्मी मंदिर।
सब मिलेंगे आपको यहाँ पे, सामान पूजा पाठ के सामान, स्वीट्स जो भी लेना है मंदिर के लिए वो ले सकते हो। और ये ले लिया आपने पूजा का प्लेट मंदिर के लिए, और ये एंट्रेंस है मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर का दर्शन हो गया है। अंदर फोन अलाउड नहीं था तो हमने भी शूट नहीं किया है, तो अभी मंदिर के पीछे बैकग्राउंड में नीचे जा रहे हैं हम लोग। नीचे भी बहुत सारा मंदिर है, वहाँ पे जाके नीचे के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। शौक लगा इधर देख के, इधर समुंदर था पूरा, सब पूरा है। मैं तो पहली बार ही देख रही हूँ। क्या विश्वास नहीं हो रहा है ना? नहीं, हम लोग देखा था, इतना अच्छा सुंदर। इधर तक पूरा पानी आता था, इधर तक पूरा। कैसे कर लिया, समुंदर का नामो निशान ही नहीं है। मैं तो सुनने के बाद यकीन ही नहीं हुआ ऐसा हो सकता है। हम लोग इधर समुंदर का पानी है ना, इधर तक आता था, इधर तक। हाँ, पूरा समुंदर था यहाँ पे, कोई बोलेगा ही नहीं कि यहाँ पे समुंदर कभी था भी। इधर नीचे आके देखने जैसा कुछ है ही नहीं, सब लोग पहले इधर आके बैठता था, समुंदर था सब। ये दूसरा मंदिर है। दर्शन हो गया महालक्ष्मी मंदिर में, तो हम अभी निकल रहे हैं। यहाँ पे भी नीचे उतरते ही मंदिर है दूसरा, हनुमान जी का। और ये राम जी। इतना बड़ा डोसा राइस का अंदर सादा 150 मसाला 200, ये बड़ा वाला 200 का। एक जन खाएगा क्या? दो जन खा सकते। सही। और एक मंदिर है यहाँ पे हनुमान मंदिर। अभी जस्ट महालक्ष्मी स्टेशन पे पहुँचे हम लोग, और महालक्ष्मी स्टेशन के बाहर ही ये धोबी घाट है। और ये मुंबई का सबसे, शायद से सबसे बड़ा धोबी घाट है। एग्जैक्टली पता नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है धोबी घाट। ये महालक्ष्मी स्टेशन और इसके ठीक बाजू में है धोबी घाट, मुंबई का सबसे बड़ा धोबी घाट।
जहाँ पे ड्राई क्लीनिंग वो सब होता ना वो वाला। तो फिर अभी महालक्ष्मी से ट्रैवल करके हम आ गए डोंबिवली में, फिर घर पे गए हम फैमिली के साथ थे तो घर पे गए, थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद आज इतना धूप है, इतना गर्मी है ना, तो आज संडे भी है और जिम भी बंद है, तो सोचा कि चलो जाते हैं आज स्विमिंग पूल में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा स्विमिंग पूल में थोड़ा मज़े करने। क्या हीट द बीट तो फिर स्विमिंग पूल में जा रहे हैं। तो कबीर को मैंने कॉल किया, मैं बोला स्विमिंग पूल जाते क्या, तो कबीर ने बोला हाँ जाते, आज जिम भी नहीं है तो जा रहे हम स्विमिंग पूल। मेरे जाते कबीर आशीष, तो अभी स्विमिंग पूल में जाके मज़े करते। तो अभी आते आते मूड ख़राब हो गया, पता चला कि बंद है स्विमिंग पूल 3 दिन, वेनेसडे से खुलने वाला है, 4 दिन स्विमिंग पूल बंद है क्योंकि कुछ तो इशू हुआ है उन लोग का। मारना चाहिए उन लोग को, वो बीप कर दे। बस पोपट हो गया हमारा फिलहाल के लिए, तो पोपट हो गया है, स्विमिंग पूल में जाने नहीं मिला। तो जाएंगे दे, अगर नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे ना तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा। फिलहाल के लिए अभी घर पे निकलते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।